नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ये बारिश के बीच ही एक ऐसी खबर आई है जिससे सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया सागर में। जी हाँ, सागर बस स्टैंड पर मकरोनिया निवासी युवक की संदिग्ध लाश मिली है। जी हाँ, तालाब किनारे बने पार्क में बेंच के पास पड़ा था शव, हाथ में निडिल भी लगी हुई पाई गई है। जी हाँ, बड़ी खबर है, सागर के बस स्टैंड के सामने तालाब किनारे रविवार शाम युवक की बॉडी मिली है। आसपास के लोगों ने बॉडी को देखा तो पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही गोपालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई है। बॉडी तालाब किनारे बने पार्क की बेंच के पास पड़ी हुई मिली है। पुलिस ने बॉडी का पंचनामा बनाया और पीएम के लिए अस्पताल भेजा है। जांच के दौरान मृतक की पहचान अरविंद्र पुत्र भागीरथ कुमार अहिरवार उम्र 41 साल निवासी मकरोनिया के रूप में की गई है। वहीं मृतक के दाएं हाथ में एक निडिल भी लगी हुई पाई गई है, जिससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि मृतक का उपचार चल रहा होगा। मामले में गोपालगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। पीएम के बाद मृतक की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल मामला संदिग्ध है। जी हाँ,